उन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक। एज एक विधायिका को उनको काम करना चाहिए। 6 साल से यहाँ पर तो बहुत जूझ रहे हैं सर, अभी तो यहाँ जीरो काम किया है, कुछ किया ही नहीं। वो जब खुद आती ही नहीं है तो क्या काम करेंगी। काम हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है। देखो जी, काम के नाम पे तो वो यहाँ पे भटकती नहीं है, आपके पीछे ही देख लो पानी भरा पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, मैं हूँ आपके साथ राहुल पांडे। आज हम आए हैं सत्य निकेतन में, आरकेपुरम विधानसभा के अंतर्गत ये पड़ता है सत्य निकेतन। यहाँ हम लोगों से राय जानेंगे यहाँ के विधायक के 5 साल के कार्यकाल के बारे में, कि 5 साल में उन्होंने कितना कार्य किया है। उन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है उनको, और ना वो आते हैं ना कभी कोई काम करते हैं। आप पीछे जाके देखिए, सारे सीवर्स बह रहे हैं उधर, पानी की इधर पीछे वाली लाइन में सारा पानी गंदा आता है। लोग बाग हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेके, हम रोज़ कंप्लेंट्स करते रहते हैं, पानी बहता रहता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला सुनता ही नहीं है, तो कौन देखेगा और कौन करेगा इस बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि उनको देखा ही नहीं आज तक, तो हमें क्या पता लगेगा। वो जी, उनके दिमाग में बस एक ही बात है, यहाँ बीजेपी की है, पूरी मार्केट भी और ये एरिया सारा बीजेपी का है, वो उसको उसी नज़र से देख रहे हैं। एज एक विधायिका को उनको काम करना चाहिए। पुल बंद पड़ा है, यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है, लोगों का कोई फैसिलिटी, मार्केट में कोई कस्टमर नहीं आ सकता। आज मार्केट के सब जितने अंदर की दुकानें हैं सब बंद पड़ी हैं, इससे कस्टमर आ नहीं सकता। वहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम है, उसको हम कह रहे हैं ये किसके है, वो कहता है MCD के पास है। MCD वालों के पास जाओ, वो कहता है ये उनके पास है। एक बहुत भारी समस्या मार्केट के लिए होगी, चारों तरफ से कस्टमर नहीं आ सकता, यहाँ पर बंद है चारों तरफ से। मैडम जो है वो रेगुलर आए, ध्यान दे और इधर काम करें, मार्केट की तरफ देखें। अभी यहाँ के विधायक तो आम आदमी पार्टी से प्रमिला टोकस जी है, काम का तो यहाँ पर क्या देखेगी, यहाँ पर तो काम करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। 6 साल से यहाँ पर तो बहुत जूझ रहे हैं लोग, यहाँ अंडरपास की बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके अंदर अभी तक कोई काम अभी तक पूरा नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ पर शिविर की गंदगी की बहुत बड़ी परेशानी है, शिविर की भी है। यहाँ हर सैटरडे संडे में देखोगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी मिलती है, पानी आ जाए, बारिश आ जाए तो इतनी कीचड़ हो जाती है कि कभी शिविर ओवरफ्लो हो रहे हैं। पीछे अनिल शर्मा जी भी यहाँ से विधायक थे, तो जो अनिल शर्मा जी विधायक थे तो तब भी यहाँ पर कुछ काम हो रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पर वो वाली है कि यहाँ कोई ना पूछने आता है ना कोई देखने आता है। सर, अभी तो यहाँ जीरो काम किया है, कुछ किया ही नहीं। वो जब खुद आती ही नहीं है तो क्या काम करेंगी। जो वो 5 साल में एक बार नहीं आई है इस एरिया में तो वो काम क्या करेंगे, हमें ये बताइए आप। जब वो यहाँ दर्शन ही नहीं देंगे तो सीवर देखो, किसी भी गली में जाइए पानी ऊपर बह रहा है, कहीं भी जाइए इधर उधर से सब चारों तरफ से हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो जब देखने ही नहीं आई तो वो काम क्या करेंगे। यहाँ पे परेशानी सब चीज़ की है, सीवर की परेशानी, रोड की परेशानी, टूटे टाटे हैं, कहीं पार्किंग की परेशानी, कहीं कुछ परेशानी, उनको तो देखना ही नहीं है। 5 साल में तो एक बार भी नहीं है ये परमिला जी। अभी तो हमारे नज़र में एक ही बंदा दिखाई दे रहा है, श्री अनिल शर्मा जी। काम हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया, जब हमने कोई देखा तो क्या गिनवाएं, हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। मेन समस्या सीवर की है, हमारा सीवर बहता ही रहता है, बरसात हुई है, कल आते कल आपको दिखाते, आज क्या दिखाएं, अभी तो पानी अभी भी निकल रहा होगा, थोड़ी देर में जाओगे तो। 5 साल में जो दिख रहा है सबको दिख रहा है यहाँ पर कितना काम हुआ है। सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, कहीं ऐसा प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा पानी की सीवर की दिक्कत है, पानी इतना गंदा आता है, सीवर इतना गंदा है, हर जगह सीवर लाइन ओवरफ्लो कर रही है। यहाँ अपनी कॉलोनी में तो है ही है, मोतीबाग से लेकर धौलाकुआ तक पूरा उनका एरिया पड़ता है, पूरे एरिया के अंदर मोतीबाग फ्लाईओवर से लेकर गुरुद्वारे तक देखिए पूरी, मतलब टोटली सीवर लाइन चौक पड़ी है। पता नहीं किस तरीके से क्या काम हो रहा है, इससे पहले भी विधायक थे, सारे काम होते थे, इतने कभी भी पोजीशन ऐसी गंदी ख़राब नहीं हुई जितने कि इस टाइम चल रही है। देखो जी, काम के नाम पे तो वो यहाँ पे भटकती नहीं है, आपके पीछे ही देख लो पानी भरा पड़ा है, ठीक है, गलियों में देख लो बुरी हालत है, ठीक है। बीच में इन्होंने एक काम किया था, पानी का, पीने का पानी चेंज कराया, पाइप चेंज कराया, लेकिन उसके बाद यहाँ झांकने नहीं आते। यहाँ आप देखो तो सत्यनिकेतन की ये बुरी हालत है कि यहाँ पे हर जगह सीवर का पानी बह रहा है, शिकायतें कर करके थक जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रोड हमारे ये MCD से हमारे मनीष अग्रवाल जी हैं, उनको हमने बोला तो उन्होंने कराया, क्योंकि उनको ये अपना वो अपनी पद का कुछ जिम्मेदारी निभाते हैं जब उनके साथ बोला जाता है।